मैं इस समय चंदौली जनपद के आदर्श नगर पंचायत चकिया में हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 4 घटमापुर में। मैं यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको कि नगर पंचायत में ये प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना विकास चाहते हैं लोग और किनको नए चेयरमैन के रूप में लाना चाहते हैं। मैं आपको सीधे बात करके दिखाता हूँ यहाँ की जनता से। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी का प्रचंड रूप अपना लेना चरम सीमा पर चल रहा है। ऐसे विषम परिस्थिति में हम आपको डोर टू डोर चलते हैं और जनता का सीधे संवाद आपको कराते हैं, यहाँ की जनता क्या कहती है। जी, आपका नाम क्या है? रत्नेश कुमार वर्मा। ये कहाँ से कहाँ के रहने वाले आप? वार्ड नंबर 4 कविनगर। ये कभी वार्ड नंबर 4 ही है? वार्ड नंबर ये नगर निकाय चुनाव आ गया है, अब कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हम तो ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले ही प्रत्याशी को चुना। क्या पीछे के लोगों ने काम किया? हम काम तो किया, बागी जी ने अच्छा काम किया है। बागी जी चेयरमैन थे? चेयरमैन। अच्छा, ये यहाँ का जो सभासद का रूटीन बताइए, कैसा काम किया कि नहीं किया? सभासद कोई इधर कोई खास नहीं हुआ है। अच्छा, अपने मतलब घटमापुर एरिया में तो सभासद को बदलना चाहेंगे? बागी अपने एरिया में उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? सीट तो ऐसे ही बदल जाएगी, सभासद तो ऐसे ही बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित सीट आ गई है। अच्छा, तो ऑटोमेटिक। क्या कोई पार्टी विशेष का लगाव है आपका? पार्टी विशेष का लगाव है? किस पार्टी? भाजपा से। भाजपा जी, अपना परिचय बता दें। सर ये बताएं, नगर निकाय चुनाव आ गया है, ऐसे में बहुत विषम परिस्थिति में ये कहना होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, आपके नजरिया से क्या है, किसको चेयरमैन बनाना चाहेंगे? सर अभी तो मैं लोग दो साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, सभी लोगों से परिचित नहीं हूँ। क्या यहाँ पर विकास जो दिख रहा है, जो पुराने चेयरमैन या प्रत्याशी रहे हो नगर सेवक का, वो लोगों ने काम किया है? पिछले जो चेयरमैन रहे हैं भैया ने जो उसका नाम बताया, उन लोगों का नाम चर्चा में रहता है। किनका नाम बताया? अशोक बागी का नाम बताया है और अभी चौबे का नाम बताया है। जी, तो इन लोगों में से कोई आ जाए तो फिर आप उनको देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद। परिचय बताए। अवधेश मोल, वार्ड नंबर 4 चकिया चंदौली। अच्छा, ये नगर निकाय चुनाव आ गया है। हाँ। अब कैसा चाहते हैं, प्रत्याशी बदलना चाहते हैं कैंडिडेट या फिर उन्हीं को रिपीट करना चाहते हैं? देखिए, हम यही चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट आए, नगर का विकास प्लस हर वर्ग के लोगों का एक समान से विकास करे। क्या पीछे का जो रिकॉर्ड है वो ऐसा रहा? ऐसा तो नहीं रहा। तो कैसे आशा रख सकते हैं कि आने वाला जो आएगा तो सबका विकास ही करेगा? देखिए, चुनाव तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हर जनता जैसा चाहे। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति आए जो कि हर वर्ग को लेकर चले। ऐसा दिमाग में आपका नाम कोई है क्या कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप वोट करें और विकास करें? लिखा तो है नहीं कि कौन कैसा है। बिल्कुल भाई, यही व्यक्ति चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति आए जो कि विकास कर सके। आपको लग रहा है कोई ऐसा है? है, बहुत लोग है, करने के लिए बहुत लोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर कोई हो तो नाम बता सकते हो तो बताएं? नहीं, ऐसा तो नाम नहीं बताना चाहिए। नहीं। चलिए, यहाँ का सभासद जो है आपके वार्ड में काम किया है कि नहीं काम किया? देखिए, आप तो खुद दिखाई दे रहा है कितना सभासद काम किया है। आपको आप अपना बताइए। मैं आपके सभासद तो कुछ नहीं किया। चेयरमैन प्रत्याशियों में अब तक जो पुराने चेयरमैन जितने गुजरे उनमें सबसे अच्छा काम करने वाला कौन था? देखिए, जो रवि चौबे हैं, अशोक बागी, इन लोगों ने, हम अपने जीवन काल में बता रहे हैं कि इन दोनों ने किया है कुछ काम। अच्छा, इससे पहले तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम जानते ही नहीं थे कि चेयरमैन क्या होता है। अच्छा, इनमें से कोई फिर से आ जाए, दोनों लोग आ जाए तो दोनों तो बागी जी तो है नहीं? हाँ, ये तो है, मगर फिर भी तो उनके हैं। तो दोनों लोग अगर आ जाएंगे तो किनको आप पसंद करना चाहेंगे? रवि चौबे। चलिए धन्यवाद। कितने लोगों के थे बाप जो चटिया का विकास करें? अरे हम के अच्छा, जे पुराना रहा वो काम कुछ कैलस कि नहीं कैलस? कुछ नहीं कैलस। यहाँ के जो मेंबर रहना हो काम के लिए हो कि नहीं? मेंबर तो एकदम घुसखोर रहना, नारी पनारा देखता हुआ आदमी को, लाइट बत्ती भी कुल 10,000 रुपया लेके खाई गई ना। अच्छा, जो मेंबर थे वो आपसे 10,000 रुपया मांगे आवास को लेकर? हाँ, वो नहीं काफी, कोई नहीं कमाता है रहा। अच्छा ठीक है। 30,000 रुपया हुआ जी? कितना में? 2,50,000 में। 30,000 आपने दे दिया? अच्छा, इधर देखे बोलिए, किसको दिया आपने 10,000? मेंबर लिए। अमन कुमार मौर्य जी, यहाँ पर नगर निकाय चुनाव आ गया है, किस प्रत्याशी को अपने दिमाग में बना के रखा है आपने? जी, मतलब जो हमारा विकास करे, विकास करे, चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलना चाहिए, तो कैसा कोई रूप आपने बना के रखा है? जी अभी देखा जाएगा। कौन लोग आ जाएंगे तो आप जनता उनको चेयरमैन बना देगी? मतलब पार्टी से नहीं, मतलब नहीं पार्टी से नहीं, मतलब व्यक्ति से मतलब। तो कोई पार्टी पसंद नहीं करते आप?
नहीं पार्टी तो पसंद करते हैं बट वो जैसे मतलब पार्टी को क्या रिलेशन जो जैसा आप कपड़ा पहने हैं क्या उससे रिलेटेड पार्टी आपकी हो सकती है? नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। चलिए धन्यवाद। ये नगर निकाय चुनाव आ गया है, सखिया में किसको वोट देना पसंद करेंगे? किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं, क्या बात है? कल विजय कोई बनवा रहा है क्या? तो पानी आप ले रहे हैं वहाँ पे, कहाँ पे दिखाइए वहाँ पे। देखिए ये गर्मी भी आ गई और अभी पानी भी नहीं दे रहा है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। कल परसों आपका नाम क्या है? बदामी। ये चकिया के रहने वाले, ये आपके सामने हैंड पाइप है, ये सूखा हुआ है, कब से बिगड़ा है? अरे चार पाँच महीना, चार पाँच महीना से। चार महीना बिगड़ा। जी जी माता जी क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं आप? तब से बनल नहीं। ये कितना दिन से बिगड़ल हो? तीन चार महीना से। तब से पानी कैसे पीती हैं आप लोग? अरे अब तो गर्मी भी बहुत तेजी से आ गई, जाने में भी बहुत परेशानी होगी। माता जी इसकी शिकायत आपने किया किसी से? जी हाँ, कामरिया में कई बार दरखास्त दिया गया साहब। जी जी तो कोई सुनने वाला नहीं है? जी नहीं, कोई नहीं। बहन जी किस वार्ड में रहती हैं आप? वार्ड नंबर चार। वार्ड नंबर चार। वार्ड नंबर चार में क्या नाम है आपका? चिंता। चिंता, तो आपको ये नगर पंचायत जिस वार्ड में आप हैं, इस नगर पंचायत का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसी ने किया कि नहीं किया, इसका चिंता आपको है कि नहीं? नहीं सर, हमरे का चिंता नहीं। आपका नाम चिंता है तो विकास को लेकर चिंता होनी चाहिए आपको ना, कि आपके गली का कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ, नाली खरंजा कुछ बना कि नहीं बना? नहीं बागी रहना तो बनौना कल भी बनौले हूं अमन के द्वार पर। अच्छा अच्छा, इसके बाद कोई बनवाया? अच्छा, तो आप नगर पंचायत में फिर से अगर वो आते हैं तो उनको आप वोट करेंगे? जी चलिए धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनीकांत निराला है। और कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम घटमापुर कबीर नगर वार्ड नंबर चार नगर पंचायत चकिया से। ये नगर निकाय का चुनाव आ गया है तो इसमें क्या चाहते हैं आप? कैसे कैंडिडेट को चेयरमैन बनाना चाहते हैं या नगर सेवक बनाना चाहते हैं? देखिए चाहे नगर की बात हो या बाहर की बात हो, कहीं की भी बात हो, कोई भी यही चाहेगा कि जितना बढ़िया प्रत्याशी रहे, पार्टी से कोई लेना देना है नहीं। इस नगर निकाय चुनाव में जितने भी लोग चाहे चेयरमैन हो चाहे सभासद हो, वो अपने अस्तित्व को पहुंचाने बढ़िया काम करें और अपने वार्डवासी नगरवासी को कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे कि आगे भी उनका वर्चस्व बना रहे। क्या ऐसा ऐसे जो आपने कल्पना किया है इस पे खरा उतरने वाला कोई है? अब इस पे तो खरा हो उतरने वाले तो अब पार्टियां तो बहुत सारी हैं, इसके लिए तो भी आगे देखा जाएगा कि किसको टिकट मिला। अभी तक तो टिकट क्लियर नहीं हुआ है, अब टिकट क्लियर होने के बाद ही पता चलेगा कौन सी पार्टी से कौन व्यक्ति लड़ रहा पीछे है। के, और... पीछे के लोगों ने कुछ काम किया आपके वार्ड में कि नहीं? पीछे के लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है लेकिन अभी पूरी तरह से जिसे संतुष्ट होना चाहिए उतना संतुष्टि का काम। ऐसे ऐसे लोगों का नाम बताइए जो चेयरमैनी पद में अच्छा काम किए हों। ऐसे लोगों में यही भाई अशोक बागी के कार्यकाल में थोड़ा कुछ अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, इसके बाद उनके बाद और उनके पहले भी थोड़ा बहुत तो काम देखिए, अगर थोड़ा सा काम करेंगे तभी तो कुछ न कुछ अपना भी बना पाएंगे। अशोक बागी जी के बाद दूसरा नाम अगर नाम लें तो किसका नाम लेना पसंद करेंगे? अशोक बागी के बाद तभी कोई वैसा नाम नहीं जिसका हम नाम ले सके। अम्मा क्या नाम है आपका? नाम कृष्णावती। ये वार्ड नंबर चार की रहने वाली है। हाँ यह चुनाव आ गया है, पता है आपको चेयरमैन का चुनाव आ रहा है, किसको वोट देना पसंद करेंगे? जो बढ़िया विकास कर वही तो जाइए। अब तक कोई विकास कैलस की नहीं कैलस? अरे के कैलस, जब हम क्या कहें जब हमारे आवास नहीं आया। आपका आवास नहीं आया? नहीं, हम पानी में जब भिजता है तो हम क्या कहें कि बढ़िया है तो अपना घर दिखाएंगे आप? चलिए दिखाइए। बाल बच्चा लेकिन फिर से बताइए, फिर से बताइए क्या कह रहे हैं? बारिश होने लगता है तो बरखा जब होने लगा था तब हम बाल बच्चा लेके एक गरीब गोरिया आ जाते समझ लें कि मेरा सारा नाई रहते मेरे बाल बच्चा लेके हम सब भी हेते हेते लेके बेटा। ये अभी छत नहीं पड़ी है आपके घर पे? नहीं, ये तो जैसे कि बनी मजूरी करके छा बनाई जाए, मगर हमके आवास नहीं। तो आप कैसे लोगों को बनाना चाहेंगे जो आपका वो आवास बना देगा? के बनाएंगे जब हमारे बह नहीं कर अब नौ बजे तो बताइए हम के सही कही के गलत कही। चलिए।